फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। और मुझे याद है कि जब ये सपना हम लोगों ने सब मिलके देखा था, तो मेरे भाई उस समय रेलवे मंत्री थे, कर लेंगे, आज वो हमारे बीच में है नहीं, परंतु वो हमारा सपना पूरा हुआ है। वसुंधरा राजे अपने दिवंगत भाई माधवराव सिंधिया को याद करके उस वक्त भावुक हो रही थी जब राजे के बेटे और 12 झालावाड़ से बीजेपी के सांसद दुष्यंत सिंह झालावाड़ सिटी से कोटा जाने वाली मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे। इस दौरान महारानी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और इस ट्रेन को चलाए जाने का श्रेय अपने भाई माधवराव सिंधिया को देती दिखी। राजे ने कहा कि आज 32 साल बाद उनका सपना साकार हुआ है। उनको देना चाह रही हूँ जिन्होंने आज हमें मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मेमो ट्रेन का इतना बड़ा तोहफा दिया है। इस अवसर पर मैं साधुवाद देना चाहूंगी आपके सांसद श्री दुष्यंत सिंह जी को, जिनके अथक प्रयासों से आज हमारा ये झालावाड़ कोटा मेमो ट्रेन का जो सपना था वो साकार हुआ। करीब 32 साल पहले जब मैंने झालावाड़ से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, तब झालावाड़ वासियों का सपना था कि झालावाड़ शहर यात्री रेल से जुड़े। आप लोग सबको याद होगा 21 जून 2013 को एक ही ट्रेन को दो दो बार हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की बात को लेकर अब सियासी हलकों में चर्चाएं भी हो रही हैं कि जब रेल राज्य मंत्री के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा चुके थे तो फिर इसका श्रेय लेने के लिए दुष्यंत सिंह अपनी झंडी लेकर क्यों पहुंच गए। चलिए एक ही पार्टी की बात थी, दुष्यंत सिंह आ भी गए तो भी ठीक ही हुआ, क्योंकि महारानी अब अपने भाई माधवराव सिंधिया को याद करके इस काम का श्रेय कहीं कांग्रेस को तो नहीं देना चाहती। इस पर भी कानाफूसी होने लगी है क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का कद अपनी ही पार्टी में क्या है ये किसी से छिपा नहीं, गुटबाजी सतह पर है। पूनिया से उनकी लड़ाई के बारे में सबको मालूम है। ऐसे में जिस ट्रेन को ओम बिरला हरी झंडी दिखा चुके थे उसी ट्रेन को आखिर दुष्यंत सिंह ने दोबारा हरी झंडी दिखाकर रवाना क्यों किया, ये बात जरा समझ में कम आ रही है। क्योंकि वसुंधरा ने रेल राज्य मंत्री का जिक्र तो किया लेकिन अपनी ही पार्टी के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम तक नहीं लिया। अब महारानी के इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि राजे को शायद पहले अपनी पार्टी की बात करनी चाहिए थी न कि कांग्रेस का जिक्र। राजस्थान तक के लिए झालावाड़ से फिरोज अहमद खान की रिपोर्ट।